नमस्कार, आप देख रहे हैं भमाक अपडेट्स और मैं हूं रशपाल सिंह। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जो ब्लॉक पंचारी में, और आज ब्लॉक पंचारी में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ब्लॉक पंचारी के बीडीसी चेयरमैन भी मौजूद थे और ब्लॉक मोहगरी के भी बीडीसी चेयरपर्सन वो भी मौजूद थे। और साथ साथ में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर मूर्खराज भमाकी जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो बैठक थी किस मुद्दे को लेकर जो जहां पर बैठक रखी गई। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भमाक अपडेट में। थैंक यू सो मच रशपाल जी। तो सर, मैं ये एक चीज जानना चाहूंगा कि जो आज की जो बैठक थी ये किस मुद्दे को लेकर बैठक की गई और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। सर देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं इस्लाम के, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने मुद्दे उठाते थे और बहुत सारी चीजों के, लेकिन आज जो पर्टिकुलर एक मुद्दा जो आज का है वो है असेंबली सेगमेंट का, अलग हिली कंस्टिट्यूएंसी का। तो ये बहुत दिनों से हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और लोग आपस में मीटिंग्स भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लिंक में हैं, और सब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बताया बहुत देर के बाद, और लोगों को पहले से ही हम भाषण दिया करते थे बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और जितने भी लोग थे ये सारे के सारे यही कोशिश करते रहे हैं कि लांदर पंचारी मुमार का एक अलग असेंबली सेगमेंट बन जाए। तो लिहाजा आज जो है, खासकर दो चेयरमैन जहां पर बैठे हुए हैं, जो पंचारी का भी और मोगरी के भी, ये दोनों चेयरमैन और इसके साथ पीआरआई और सोशल एक्टिविस्ट एजुकेशनिस्ट और बड़े ही सियाने लोग, और आज इन्होंने एक इस मुद्दे पर ही बात की है, खासकर असेंबली सेगमेंट के ऊपर, बाकी मुद्दे पर बात नहीं हुई है। लेकिन आज मुझे यहां तक एक मेरी असेसमेंट, अपनी असेसमेंट है, मुझे लगता है कि आप ये असेंबली सेगमेंट बना के छोड़ेंगे, क्योंकि यहां की एक टोपोग्राफी अलग है, यहां का हिली जो कल्चर है हमारा, हमारी लैंग्वेज है, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारी रिश्तेदारी एक दूसरे के साथ, और हमारा सब लोगों का मेल जोल जो है वो एक जैसा है, और हमें बाकी ही एक असेंबली सेगमेंट अलग से चाहिए। तो इसके लिए ये फाइट करना शुरू हो गए हैं। आज एक बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि स्ट्रगल इसके लिए करनी पड़ेगी, पर सरकार को हम विनती करते हैं, सरकार को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी करके इस इलाके को इग्नोर मत कीजिए। आज वो पुराना जमाना नहीं है कि जब हमारे इलाके को इग्नोर किया जाता था। आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज समझदार लोग हैं, आज लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग मीडिया भी जहां का जो इस इलाके का वो भी जहां पर जो काम कर रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर फोर, यानी वी कैन से द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेन फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो ये है कि एक तो इसको कहते हैं लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और मीडिया है। तो मीडिया इज द फोर्थ और बेसिक पिलर ऑफ अवर डेमोक्रेसी, तो और कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्टीमेटली जहां के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये स्ट्रगल के लिए भी तैयार हो रहे हैं, और अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्ट्रगल जो है वो हमारे, मुझे लगता है कि ये एक दिन कामयाब हो जाएगी। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज जो दो ब्लॉक की जो बैठक हुई, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जो है वोटर स्ट्रेंथ जो कितनी होगी दो ब्लॉक, सिर्फ जो मोगरी ब्लॉक और पंचायत? देखिए, दो ब्लॉक जो है ना, जहां पर ये एक टेक्निकल बात है कि जब इलेक्शन कमीशन जो बना है उसके पास टेक्निकल लोग होंगे, वो देखेंगे उसका क्राइटेरिया क्या बनता है, उसमें क्या 50,000 वोटर्स के इलेक्ट्रेट के ऊपर बनती है, 60,000 के ऊपर बनती है, 40,000 के ऊपर बनती है, वो खुद न्याय करेंगे, वो खुद देखेंगे। और रियासी का डिस्ट्रिक्ट जहां पर दो पड़ते हैं हमारे इस इलाके को जो टच करते हैं, जो जिनमें ये एरिया पड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, अगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो रियासी का कितना एरिया वो इसमें लाते हैं, अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट से बनती है तो वो कितना कर सकते हैं, जितना एरिया इसके साथ जो जुड़ेगा वो वैसे होगा, वो उनका काम है। लेकिन हमारी स्ट्रगल जो है एक पहाड़ी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, एक हिली कंस्टिट्यूएंसी के लिए, उसमें सभी लोग, एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, उसमें क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दूसरे हैं, तीसरे, कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये सारा नॉन पॉलिटिकल है, सभी पार्टियों के लोग होंगे इसमें, वो हम नहीं जानते, और किसी के साथ हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा है कि हमने असेंबली सेगमेंट अलग बनाना है। कैसे कैसे बनता, कौन कौन सी जगह इसमें आती है, शामिल होती है, ये तो कमीशन को देखना है, और कमीशन के चेयरमैन से भी हम ये एक उनके आगे भी विनती करेंगे, उनके आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी करके जब इस इलाके में आते हो, यहां के बच्चों का, जहां के वुमेन का, जहां के स्टूडेंट का, बराए मेहरबानी करके ख्याल रखें और इस इलाके को अलग असेंबली सेगमेंट बनाएं, ताकि इस इलाके की पूरा डेवलपमेंट हो सके। यही मुद्दा था आज, और मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा जो है वो कामयाब होगा।
जी आपको लग रहा है कि ये जो लोग हैं वो जनाइट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि इतने लोग आज क्रीम जहां पर पूरी पंचाली की, लांदर की, गलियोत बदोता, मोंगरी की, पंजर की, लड्डा की, जसरकोट के, जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी स्ट्रगल शुरू होती है ना पब्लिक के लिए, जो लोग जब जनरली जनरल पब्लिक जब मिलती है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं या कोई और नहीं, यहाँ पर जनरल पब्लिक आई है और उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आए हैं और चेयरपर्सन आए हैं, इसमें सरपंचस आए हैं, लंबड़दार चौकीदार आए हैं। मुझे लगता है कि ये काम अब होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर मुल्खराज भुमागे जी, और हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने ये कहा कि जो आज बैठक का जो मेन मुद्दा था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर था, और कहीं ना कहीं ये जो दो ब्लॉक की जो आज जहां पर बैठक हुई और इसमें जो विशेष चर्चा हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को के मुद्दे को लेकर हमें जिस हद तक भी जाना होगा तो ये एकजुट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप देखते रहिए हमारा अपडेट। जय हिंद।